ओ मेरी जोर जबी याहू, क्या है ये? मैंने आज से घर में ही जॉगिंग करने का सोचा है। तुम बस घर में ही जॉगिंग करो, घर के बाहर जाओ ही मत। वैसी कोई बात नहीं है, बाहर देख रहे हो ठंड कितनी पड़ रही है। गर्मियों में भी आप कहाँ जाती हो घर के बाहर? बेड पे ही लेटी रहती हो, पंखा चालू करती हो, कराटे मारती हो। जरा बाहर जाओ, एक्टिविटी करो। मुझे पता है साल के इस वक्त थोड़ा सा इंसान आलसी बन जाता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि सूरज दक्षिण की तरफ चला जाता है, इसलिए एनर्जी लेवल कम हो जाता है। पर तुमको बाहर जाना चाहिए, एक्टिविटी करनी चाहिए, शरीर को फिट रखना चाहिए। नहीं जाना मुझे, लुक एट आउटसाइड, टू मच ठंडी, ठंडी कोल्ड। बहू, ए बहू, गर्मा गर्म कॉफी लाती हूँ, लाती हूँ। सुबह हुई नहीं गेंद चाय कॉफी शुरू हो जाती। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग केक बेटे। क्या क्या तुम लोगों को ऐसे नाम क्यों देती हो? मुझे बड़ा अच्छा लगता है नाम देना, मैंने आपको भी दिया है, एंग्री ओल्ड मैन। माँ मुझे तो आपके ये नाम बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू बेटा, तुझे केकड़ा अच्छा लगता है? केकड़े को केकड़ा ही अच्छा लगेगा। क्या बिगड़े हुए शहजादे, बड़ी जल्दी उठ गए आप, 9 बज रहे। पापा वो आज कुछ काम नहीं था ना, इसलिए लेट उठ गया। ऑफिस भी लेट जा रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, सोचा थोड़ा एंजॉय कर लूँ। एंजॉय? वैसे वाला एंजॉय नहीं, बस एंजॉय कर। तू पूरी जिंदगी एंजॉय में चली गई तेरी। करने दीजिए कभी उसको भी आराम, काम 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 करता है बेचारा। कर नहीं करता, पेट भरना है ना, पैसा तो चाहिए, काम तो करना पड़ेगा। लाना जल्दी। ससुर जी आपकी चाय। ओ ब्रश किया? किया है ब्रश, शर्मिला दो चाय। मेरी कॉफी लाई? आइए ससुर माँ, हियर योर हॉट हॉट कॉफी। ओहो क्या बात है, इंग्लिश? हाँ कैसी लगी? तेरे जैसी लगी, ढेब ढेब। पर मैंने कोशिश तो की ना। की बहुत बुरी कोशिश की, अच्छी बिल्कुल नहीं कहूंगी मैं। Here your coffee. ऐसा नहीं होता। Here is your coffee. इतना इतरा के क्यों बोल रही हो? मैं ऐसी इंग्लिश बोलती हूँ, जब अमेरिका जाऊंगी सब बोलेंगे ये तो हमारी है। तुमको कौन लेके जा रहा है अमेरिका? जाऊंगी मैं, अकेले जाऊंगी अमेरिका। तू क्यों यहाँ पे खड़ी है, जा अपने काम कर। दिमाग खराब कर दिया। ललिता सुन भाई, को इंग्लिश नहीं आती उसकी वजह से हर बार तुम उसका मजाक उड़ाती हो। तुमको आती है ना थोड़ी बहुत, उसके ऊपर ज्यादा गर्व मत करो। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी सारी इंग्लिश की हेकड़े निकल जाएगी। अरे क्या? ससुर जी आपके मुंह में घी शक्कर। बोल बोल और बोल। चलती है एक तरफ कान लगाती है दूसरी तरफ, मैनर्स लेस। ठंडी ठंडी को भाई ठंडी। क्या बात है सुमित्रा, बहुत ठंडी लग रही तुम्हें। हाँ शर्मिला आज जरा ज्यादा ही ठंडी पड़ी है। हाँ वो बात तो है, काफी ठंडी पड़ी है। जॉगिंग के लिए गई थी मैं ब्रांडेड शूज पहन के, चार कोस गई वापस मुड़ गए, ठंडी हवा का झोंका आया, मैं आ गई ऐसे। बाबा रे आज तो कुछ ज्यादा ही ठंडी पड़ गई है। आ गई रसगुल्ला बाहर। आ गई आ गई। एक तो मुझे ठंडी की आदत है, कोलकाता में इतनी ठंडी नहीं होती। क्योंकि कोलकाता समंदर के करीब है, समंदर के करीब होने के कारण वहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा है, आर्द्रता से पसीना आता है तो गर्मी लगती है, ठंडी के दिनों में भी जैसे कि मुंबई में होता है। दीजिए दीजिए और ज्ञान दीजिए ज्ञानी बाबू। ओहो तुम भी मुझे श्रेया की दादी की तरह नाम देने लगी हो, ज्ञानी बाबू। मैं क्या कहती हूँ बाबू जी, तुम टीचर ही बन जाओ, बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाओगे। और क्या कहती हो आप, जरा विस्तार से बताइए। कुछ नहीं कहती, अभी तो मैं जा रही हूँ बाहर। कहाँ जा रही हो? सामान लाने जा रही हूँ। रुको मैं भी सामान लाने जा रहा हूँ, आते हुए तुम्हारा भी सामान लाऊंगा, मुझे बता दो क्या लाना है। ना ना तुम क्यों लाओगे मेरा सामान, मैं लाती हूँ, भगवान ने मुझे हाथ दिया है ना। वो मुझे पता है, पर बाहर ठंडी देखी है, बहुत ठंडी पड़ी है आज। हाँ वो बात भी है, आज तो कुछ ज्यादा ही पड़ी है। ये तो अब इसे पति पत्नी जैसे रहने लगे। मैं जाता हूँ सामान लाने के लिए, तुम मत जाओ। श्रेया के पापा भी ऐसे ही करते थे, शादी के बाद मुझे बिल्कुल घर से बाहर निकलने नहीं दिया एक साल,
उसके बाद से मैं ही जाती हूँ। अगर ऐसी ठंडी में तुम बाहर गई तो ऐसे अकड़ जाओगी। और कितना अकड़ेगी, पहले ही सीढ़ियों पे अकड़ मकड़ के चलती आ। मैं लाता हूँ तुम्हारा सामान, बोलो क्या क्या लाना है। थोड़ा सा ही लाना है। एक मिनट टाइप करता हूँ। एक किलो बेसन पीठ, आधा किलो सूजी, चावल लाने 2 किलो, चना दाल 1/2 किलो, जीरा हींग राई 50-50 ग्राम कर दो। ये थोड़ा सा है? थोड़ा सा तो है। तुम अकेली रहती हो ना? हाँ अकेली रहती हूँ। इतना सामान लगता है तुम अकेली को? लगता है अभिजीत, तुम्हें क्या पता। ज्यादा मत खाओ, मोटी हो जाओगी। होने दो मोटी, मैं मोटी हो जाऊंगी, तुम्हारा पेट तो बाहर नहीं निकलेगा ना। सुमित्रा मैं उसका स्टाइल दिखाती हूँ चलने का, कैसे चलती है। दिखाओ दिखाओ कैसे चलती है। ये देखो ऐसा, ये पल्लू जो होता है ना वो कैसा होता है, हाँ ऐसे। शर्वरी एक्सप्रेस। और ये जो है ना, ये ऐसा प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 की गाड़ी शर्वरी एक्सप्रेस आपके सामने आ रही है। उरी बाबा संभल के शर्मिला, अकड़ते अकड़ते कहीं तुम मरोड़ ना जाओ। गिरते गिरते बची। ऐसा ही होता है जब आप दूसरों की नकल करते हो, पता नहीं भगवान इन दोनों को अकल कब देंगे। पहले तू दो अपनी शक्ल, 4 किलो मेकअप लेके घूमती है। मान लिया शर्वरी जी आपको, हम में बिल्कुल अकल नहीं, हम बेअकल है, पर आपको तो भगवान ने अकल दी है ना। हाँ दी है मुझे अकल, बहुत ज्यादा अकल दी है, इसी की वजह से जॉब नहीं लग रही इसकी। वो बोलते होंगे आपकी अकल कुछ ज्यादा ही है, हमारे यहाँ पे कम अकल वाले लोग चाहिए, पर आप कुछ ज्यादा ही अकलमंद हो, आपकी ज्यादा वाली अकल आपको ही भारी पड़ गई। ओ आंटी। आंटी किसको बोला रे, आंटी किसको बोला। आंटी नहीं हूँ मैं, ब्रांडेड सुमित्रा हूँ समझे ना, आंटी नहीं हूँ। तुमको आंटी बोलना इसको बोलो, मुझे मत बोलो। ए सुमित्रा मैं भी नहीं हूँ आंटी, 50 के ऊपर नहीं गई अभी तक। ये देखो शर्वरी के बॉडीगार्ड, तुमको आंटी बोलना है ना किसी और को जाके बोलने का, हमको आंटी नहीं बोलने का। कितनी बार बोला है समझ में नहीं आता इसको, जी बोलने को क्या जाता है, जीभ जड़ हो जाती है तुम्हारी। अरे क्या करूं मैं इसका, सुबह सुबह शुरू हो गई तेरी अनलिमिटेड डीजे। बदमाश औरतें। तुमसे तो कम ही बदमाश है हम, सबसे ज्यादा बदमाशी तुम करते हो सोसाइटी में इस लखंडर के साथ। की प्यार का दिखावा करते दोनों लैला मजनू। तुम्हारी सास को नहीं बोल रही, इसको बोल रही हूँ। आपको किसने कहा अभिजीत और मेरा प्यार चल रहा है। वही 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 कहने की क्या जरूरत है, सबको दिखता है, मैं तो 24 आवर देखती हूँ यहाँ से, सब दिखता है मुझे क्लियर। वाह अभिजीत, हमारी सोसाइटी के लोग तो देखो, एक रिकॉर्डर है, एक CCTV फुटेज का काम करता है, कुछ तो करते है, आपके जैसा फ्री तो नहीं, इसलिए प्यार का दिखावा करती है। दिन भर कुछ काम मिलता नहीं, अभिजीत मिलता है तो उसी के साथ प्यार का दिखावा करती है। बुरा मत मानना शर्वरी जी, आपकी बड़ी बहन होने के नाते मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूंगी। धन्यवाद, पर मुझे आपकी ब्रांडेड सलाह की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैं दूंगी। तो हर बीवी का मुंह है कि मानता नहीं, सुबह हुई नहीं कि चालू हो जाती है। सोमो औरतों के साथ झगड़ा मत करो, अच्छा नहीं लगता वो। तुमको जॉब तो मिलने से रही, फ्री का दूल्हा मिल रहा है वही ले लो, अच्छे से घर बसाना दोनों, हम आएंगे तुम्हारी शादी में ब्रांडेड लिफाफा लेके। लोगों को पागल कर दिया, पर सब बोलते कब होगी शादी, कब होगी शादी, कब होगी शादी। हमारी नहीं अपने पापा की नहीं, कम से कम लोगों की तो मान लीजिए, कर दीजिए शादी, क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। हम दोनों को आप पसंद नहीं, आप एक दूसरे को पसंद हो, जम जाएगी आपकी अच्छी जोड़ी, वैसे भी बचपन से जानते हो देवदास वाला प्यार है, कर दो शादी। क्या कहती हो शर्वरी जी, उड़ा दे आपके शादी का बार, इसको भी उड़ा दो साथ में। सुमित्रा जी आपके अंदर जरा से भी शर्म नहीं है ना, दूसरों को क्या बोलना चाहिए, उनको क्या लगेगा, कुछ नहीं सोचती आप, बस बोलती रहती हो। हम बोलते हैं दूसरी औरतों के मुंह लगने की क्या जरूरत है, इसको मार खाएगी एक दिन सबका, फिर मैं नहीं छुड़ाऊंगी इसका झगड़ा, जितना मारती हो उतना मारने दो इसको। सुमो घर के अंदर आ जाओ, मार खाओगे, मम्मी ऐसा बोल रही है, मैं नहीं। क्यों दूसरों की लपड़ों में टांग अड़ाती है, करने दो जिसको लफड़ा करना है, इसको क्या करना है, खुद तो लफड़ा करके बैठ गई, तो इठो बच्चे हो गए। नहीं महारानी का मुंह संभला नहीं जाता, दूसरों के घर बिठाने इनको, खुद का घर तो संभला नहीं, ब्रांडेड। आपको तो चाहिए सोसाइटी में रोज धमाके हो, ताकि आपके घर के चिप्स खत्म हो सके,
जाइए लाइए चिप्स खाइए। शर्मिला दो पत्थरों पे पैर मत रखो, मेरे साइड से हो ना तो मेरे ही साइड से रहो, रसगुल्ले की साइड लेने की जरूरत नहीं है। रसगुल्ला? सुमित्रा ने आपका नया नाम रखा है रसगुल्ला। कैसा लगा मेरा ब्रांडेड नाम रसगुल्ला? क्या बात है, मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है। समोसा, आई लव समोसा, इसीलिए समोसा खा के आपका मुंह भी समोसे जैसा हो गया है। भाई क्या बोल रहे, मुझे समझ में नहीं आया। तुमको ऐसा बोल रही है, समोसा खा के तुम्हारा मुंह समोसे जैसा हो गया है। खबरदार शर्वरी जी, माइंड योर टन, अगर आपने मुझे फिर से बुरा बोला तो मुझसे बुरी कोई नहीं होगी। एकदम शक्ति, आपसे बुरी इस सोसाइटी में कोई नहीं है। आप जितने कांड करती हो ना सोसाइटी में, चुगलखोरी करती हो, रिश्ते तोड़ती हो, उतना कोई नहीं करता सुमित्रा जी। बदमाश औरत। हाँ हूँ मैं बदमाश, मुझे बदमाशी करने पे मजबूर मत करिया। आप तो जानती हो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। क्या कर लोगे आप बोलिए, क्या कर लोगे? मैं सारा मेकअप उखाड़ दूंगी तेरा। उखड़ दो इसका मेकअप, उखड़ दो, मुझे भी देखना है 4 किलो परत के नीचे क्या छुपा है। तुझे उखाड़ू क्या घर से? मिस ब्यूटीफुल का मेकअप उखाड़ रही है, कितनी सुंदर है वो। तुझको जितना उखाड़ना है उतना उखाड़, कुछ नहीं होने वाला, नेचुरल ब्यूटी है। शांति की दुश्मन, तू चाहती नहीं सोसाइटी में शांति रहे, बस धमाके होने चाहिए। माँ सोसाइटी में कोई शांति नाम की पड़ोसन आई है? केकड़े, उधर आऊंगी तो बहुत मारूंगी। पीस की बात कर रही हूँ मैं, शांति मींस पीस। सासू माँ ऐसी कोई बात नहीं है। तू तो बात ही मत कर, जब देखो तब तेरा मुंह बस चलता ही जाए। और इसका तो छोड़ ही दो, हम सबको पता इसके मुंह का प्रॉब्लम है। श्रेया की दादी बहुत हुआ, इनफ इज इनफ। मेरे मुंह के ऊपर अब कोई मजाक नहीं करेगा, ब्रांडेड मुंह है मेरा। आपके घर में कोई ब्रांडेड है? हमारे घर में 4-4 लोग ब्रांडेड है। मैं ब्रांडेड, मेरी बेटी ब्रांडेड, मेरा पति ब्रांडेड, बेटा भी ब्रांडेड, सास नहीं ब्रांडेड, इग्नोर हर। ओए ब्रांडेड, तेरी पूरी ब्रांडेड फैमिली को सोसाइटी से निकाल दूंगी। क्या कहा आपने, हमारी फैमिली को सोसाइटी से भगा दोगी? अभी देखती हूँ मैं। ससुमा, डरती नहीं मैं तेरी सास से। अरे ये क्या, ससुमा बदाम मत खाइए, जल्दी बाहर आइए। का हुआ रे, काहे से मुझे गला फाड़ रही है? ये श्रेया की दादी हमारी फैमिली को धमकी दे रही है, बोल रही है हमारी पूरी फैमिली सोसाइटी के बाहर कर दूंगी। ईबा ललिता, दूसरों को बोलती हो मैनर्स लेस, खुद में कितना है मैनर्स। इट्स नॉट मैनर्स, इट्स मैनर्स, एम ए एन, उसके आगे का तुम समझ लो। हमको इंग्लिश नहीं सीखा तू, तो हर से ज्यादा अच्छी इंग्लिश आती है हमको, समझी ना? आती है क्या तुमको इंग्लिश? हाओ, तुझको क्या लगा हम गाँव में रहते तो हमको इंग्लिश आती नहीं होगी? बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे हम गाँव के, समझी ना? सब हमको मानते थे, इंग्लिश की किताब हमारे से पढ़ देते थे। मैं नहीं मानती। अगर ऐसी बातें तो हो जाए इंग्लिश का कॉम्पिटिशन। हाँ हो जाए इंग्लिश का कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन? मैंने बोला कॉम्पिटिशन। क्यों मेरी मौत का तमाशा देखना चाहती है तू? आपको तो इंग्लिश आती है ना? आती है मुझे इंग्लिश, आती है। ससुमा इधर तो देखिए जरा, आपको आती है ना इंग्लिश? क्या खुसुर खुसुर चल रहे सास बहू की। लगा और लगा कान, मेरी गोद में आके बैठ छुछुंदर मुखी औरत। खबरदार लैला, खबरदार, जो हमरी बहुया को छुछुंदर बोला तो वो छुछुंदर है पर सिर्फ हमरे लिए। लव यू, आई हेट यू, बट कांट इग्नोर यू, आई एवरी टाइम इग्नोर यू, डोंट इग्नोर मी नेक्स्ट टाइम, अदरवाइज आई विल इग्नोर यू फ्रॉम माई होम। सॉरी सासुमा, बट आई कैनॉट चेंज माई सॉन्ग, दिस इज माई ब्रांडेड सॉन्ग। भाई सासुमा, दोनों कितना फड़ाफड़ इंग्लिश बोल रही है, हमको कुछ नहीं आता। तुझे नहीं आती, मुझे आती है इंग्लिश। ठीक है फिर करते हैं इंग्लिश का कॉम्पिटिशन। तो क्या कहती हो ललिता, हो जाए इंग्लिश? करते इंग्लिश का कॉम्पिटिशन करते, अभी नहीं फिर कभी। हाय दया, डर गए का? ललिता इंग्लिश के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगी सुगंधा जी के साथ। अरे क्या,
ललिता तुमको तो इंग्लिश आती है ना, अब डर क्यों रही हो? सुबह तो सुनबाई को इंग्लिश के पाठ पढ़ा रही थी। डोंट फियर, एवरीथिंग हो जाएगा क्लियर। ससुर जी चीयर। चीयर्स क्या चीयर्स? बियर पी रही है तू? वो टीवी सीरियल में दिखाते हैं। चीयर। इसका टीवी कोई फोड़ दो रे? टीवी सिर्फ उसका नहीं, हम सबका है। तो आप भी कीजिए सुनबाई के साथ चीयर्स। सुगंधा जी, हमारे घर पे इंग्लिश का कंपटीशन होगा, आप आ जाइए। चलो चलो चलो, इंग्लिश का कंपटीशन। कितनी उतावली हो रही है। चलिए ससुमा, दिखा दीजिए अपना जलवा। हाँ बहुरिया, हम दिखा देंगे हमारा जलवा। मैं चिप्स लेके आती हूँ। ठीक बा ला, तेरे चिप्स निकाल के रखे हमने। बहुत मजा आने वाला है आज। इंग्लिश का इंग्लिश, विंग्लिश का विंग्लिश, दोनों हो जाएगा। जा जा जल्दी जा, जा।